दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी की धन्यवाद रैली, आज नागरिकता कानून पर सवाल खड़ा करने वालों को दे सकते हैं जवाब। पीएम मोदी की रैली पर खतरे का अलर्ट, रामलीला मैदान में भारी सुरक्षा बल तैनात, रैली के मंच की सुरक्षा एसपीजी के हवाले। बीजेपी ने रैली में 2 लाख लोगों को जुटाने का किया दावा, 3000 बसों के जरिए रैली स्थल पहुंचेंगे समर्थक। पीएम मोदी के साथ एनडीए सरकार से जुड़े अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री भी रैली में होंगे शामिल। दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने पर धन्यवाद रैली का आयोजन, 40 लाख लोगों को मिला है फायदा। शुक्रवार को दिल्ली के सीमापुरी इलाके में हुई हिंसा का वीडियो सामने आया, वीडियो में एडिशनल डीसीपी पर पत्थर बरसाते दिखी भीड़। हमले में घायल हुए थे एडिशनल डीसीपी रोहित राजवीर सिंह, आग पर आई थी चोट। सीमापुरी हिंसा के सभी 11 आरोपियों की जमानत अर्जी कठगड़ुमा कोर्ट से खारिज, 14 दिनों के लिए भेजा गया जेल। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर शनिवार रात फिर जुटे प्रदर्शनकारी, जामिया और जेएनयू के छात्रों ने किया प्रदर्शन। हाथों में तख्तियां लेकर रात भर पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। शनिवार को यूपी में फिर बढ़ती हिंसा, रामपुर में प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने पुलिस पर की पत्थरबाजी, 2 बाइकों को फूंका, 1 की मौत। प्रदर्शन के दौरान ईदगाह की तरफ बढ़ रहे थे प्रदर्शनकारी, रोके जाने पर हुए बेकाबू। कानपुर में नागरिकता कानून पर हिंसक प्रदर्शन, उपद्रवियों ने यतीम खाना पुलिस चौकी पर किया पथराव। कानपुर में उपद्रवियों ने पुलिस चौकी में खड़ी गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस वालों को कुछ देर के लिए बनाया बंधक। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए कानपुर में पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, हंगामे में 3 पुलिसकर्मी जख्मी। नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में यूपी में मरने वालों की तादाद पहुंची 15, सबसे ज्यादा मेरठ में 4 लोगों की मौत। यूपी की हिंसा का बंगाल कनेक्शन सामने आया, गुरुवार को लखनऊ में भड़की हिंसा में कोलकाता के 6 लोग शामिल। लखनऊ के हिंसा वाले हजरतगंज इलाके से 11 मोबाइल फोन बरामद, फोन में बंगाली भाषा का इस्तेमाल। आज लखनऊ का दौरा करेगा टीएमसी का 4 सदस्य डेलीगेशन, हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से करेगा मुलाकात। लखनऊ में सोमवार तक बंद रहेगा इंटरनेट, सारी सेवाओं पर लगी रोक। यूपी में बवाल के बीच योगी ने फिर अफवाह से किया आगाह, मुख्यमंत्री के धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों से आगे आकर साथ देने की अपील। सीएम योगी ने की अपील, कानून हाथ में ना ले लोग, सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति के आधार पर कर रही काम। लखनऊ पुलिस ने जारी किया आरोपियों की तस्वीरें, जनता से उपद्रवियों को पकड़वाने की अपील। सूचना देने वाले व्यक्ति की गोपनीयता रखी जाएगी, सूचना देने के लिए एंटी क्राइम हेल्पलाइन नंबर जारी है। यूपी की हिंसा में अब तक कुल 705 लोग गिरफ्तार, हिंसा में 263 पुलिसकर्मी घायल, सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने के 63 केस दर्ज। बिजनौर में शनिवार की हिंसा को लेकर धरपकड़, 20 उपद्रवी गिरफ्तार, लाठी डंडे 2 तमंचे और पेट्रोल बम बरामद। गाजियाबाद के बसुंडा में उपद्रव के मामले में 44 गिरफ्तार, पूरे जिले में अब तक 65 से ज्यादा गिरफ्तारी, 3600 लोगों पर केस। यूपी के सीतापुर में शुक्रवार को हुई हिंसा को लेकर 10 उपद्रवियों की गिरफ्तारी, 400 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। बुलंदशहर में 16 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, 19 नामजद उपद्रवियों पर एफआईआर, करीब 800 अज्ञात पर केस दर्ज। जौनपुर में भड़की हिंसा में 14 नामजद, 125 अज्ञात उपद्रवियों पर एफआईआर, भदोई में 27 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। शनिवार को आरजेडी के बिहार बंद के दौरान कई जिलों में भड़की हिंसा, नवादा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। बिहार के चकिया में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों की गुंडागर्दी, सीसीटीवी में कैद, जबरन दुकानें बंद कराते वक्त की तोड़फोड़। मधुबनी में प्रदर्शन के दौरान मारपीट की तस्वीरें आई सामने, बेल्ट और डंडे से एक युवक को पीटते दिखे कुछ लोग। भागलपुर में बंद के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं का दिखा उत्पात, ऑटो का तोड़ा शीशा, ड्राइवर से की बसल लुकी। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में निकाला विरोध मार्च, आरजेडी दफ्तर से डाक बंगला चौराहे तक पैदल किया सफर। दिल्ली में आज भी नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जंतर मंतर पर जुटेंगे प्रदर्शनकारी। शनिवार को भी कानून के खिलाफ इंडिया गेट पर जुटे प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दरियागंज हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, 15 लोगों को गिरफ्तार कर 2 दिन के लिए जेल भेजा। सीलमपुर हिंसा के मामले में भी आरोपियों पर एक्शन, 14 दिन के लिए भेजा गया जेल। हिंसा में मारे गए यूपी के 9 लोगों के परिवार और मंगलौर के 2 परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मदद देगा दिल्ली वक्फ बोर्ड। जयपुर में नागरिकता कानून के खिलाफ आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, अल्बर्ट हॉल से पैदल मार्च करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। और जयपुर में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी मेट्रो। जयपुर में आज इंटरनेट भी रहेगा बंद, सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगी पाबंदी।
यूपी के प्रयागराज में आज दोपहर 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट पर बैन, सारी सेवाएं रहेंगी बंद। असम में आज कर्फ्यू से मिलेगी थोड़ी राहत, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू में दी जाएगी ढील। नागरिकता कानून के खिलाफ राजघाट पर कांग्रेस का चला प्रदर्शन, आज के बजाय कल सोमवार को दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक होगा धरना। धरने में शामिल हो सकते हैं राहुल और सोनिया, प्रियंका गांधी के भी शामिल होने की अटकलें, अभी तय नहीं है कार्यक्रम। हैदराबाद में आयोजित ओवैसी की रैली में पहुंची जामिया की पोस्टर गर्ल बनी दोनों छात्राएं, जदीदा और आशा ने रैली को किया संबोधन। रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता कानून के खिलाफ जमकर बोला हमला, कहा बीजेपी को संदेश देने के लिए तिरंगा फहराए। कोई एतराज नहीं है, आप दीजिए, जो कोई आता है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, मगर मजहब को क्यों बुनियाद बना रहे हैं? नागरिकता कानून के खिलाफ जनमत बनाने के लिए घर घर जाएगी बीजेपी, अगले 10 दिनों में करीब 3 करोड़ परिवार से संपर्क का लक्ष्य। देश के हर जिले में नागरिकता कानून के समर्थन में बीजेपी निकालेगी रैली, करीब 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा जनता को गुमराह कर रही है पार्टी। विपक्ष के द्वारा जो भ्रम और झूठ की राजनीति की जा रही है, कांग्रेस के द्वारा जो लगातार देश की जनता के सामने झूठ बोला जा रहा है, इसका जवाब देंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने की सोनिया और प्रियंका पर केस दर्ज करने की मांग, सीए पर बयान से खपा है विज। कोलकाता में आज बीजेपी का नागरिकता कानून के समर्थन में मार्च, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे नेतृत्व। कनाडा के टोरंटो शहर में भारतीय दूतावास के बाहर नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन, एक पोस्टर में ब्रिटिश राज से की गई बीजेपी सरकार की तुलना। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, दिल्ली की 30,000 कोर्ट का फैसला। शनिवार को भारत दौरे पर आए चीनी डेलीगेशन ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से की मुलाकात, डेलीगेशन के कई सदस्य मुलाकात में हुए शामिल। आज ईरान के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, हसन रूहानी के बुलावे पर कर रहे हैं दौरा। अगले सेनाध्यक्ष का पद संभालने वाले जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे की आज तक से बातचीत, कहा जांच एजेंसियों के बिना अधूरी है सेना। महाराष्ट्र में किसानों को उद्धव का तोहफा, 2 लाख तक कर्ज माफ, महात्मा फूले शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के तहत दी जाएगी राहत। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का उद्धव सरकार पर हमला, कहा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी सरकार। यौन उत्पीड़न केस में फंसे चिन्मयानंद को नहीं मिली जमानत, 6 जनवरी को होगी अगली पेशी। स्पाइसजेट एयरलाइंस के स्टाफ के बर्ताव से खपा हुई बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, अथॉरिटी से की शिकायत। उन्नाव में खुद को आग के हवाले करने वाली पीड़िता की अस्पताल में मौत, कानपुर के हैलेट अस्पताल में ली आखिरी सांस। 5 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी पीड़िता, 16 दिसंबर को नाव में एसपी ऑफिस गेट पर आत्महत्या के लिए लगाई थी आग। आत्मदाह के बाद मुख्य आरोपी अवधेश सिंह को भेजा गया था जेल, शादी का झांसा देकर रेप करने का था आरोप। यूपी के गाजीपुर में 3 साल की रेप पीड़िता को 3 साल बाद मिला न्याय, पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सुनाई सजा। मध्य प्रदेश के सागर में महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। मुंबई के अंधेरी इलाके में 2 गुटों में झड़प, 7 लोग घायल, मारपीट का वीडियो सामने आने पर गुस्साए लोगों का थाने के बाहर हंगामा। यूपी के संत कबीरनगर जिले में नक्शा विभाग के जेई की चप्पलों से पिटाई का वीडियो वायरल, महिला पर पिटाई करने का आरोप। दिल्ली के द्वारका इलाके में अपहरण की हैरत अंगेज वारदात, एक तरफा इश्क में आरोपी ने महिला के बेटे को किया अगवा, पुलिस ने राजस्थान से छुड़ाया। करनाल के गांव गोंदर में रहने वाली युवक की हत्या कर नहर के किनारे फेंका शव, 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली में पति ने खेला खूनी खेल, पत्नी की चाकू मारकर हत्या के बाद की खुदकुशी। यूपी के हरदोई में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अमृतसर के गांव जोधा में एक एनआरआई का कत्ल, घर के बाहर ही हमलावरों ने मारी गोलियां। हिसार में पारिवारिक विवाद के चलते डबल मर्डर, युवक ने अपनी पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतारा। चेन्नई एयरपोर्ट पर पुलिस ने बरामद किया तस्करी का सामान, 29 लाख का सोना, लैपटॉप और सिगरेट जब्त। भुवनेश्वर में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, युवक को पेड़ से बांधकर लाठी डंडों और बेल्ट से पीटा। जम्मू के डोडा में जमकर बर्फबारी, सड़कों पर कई फीट तक जमी बर्फ, जेसीबी के जरिए बर्फ को हटाने का काम जारी, भारी बर्फबारी के चलते काम में आ रही दिक्कतें। पूरे इलाके ने ओढ़ी बर्फ की चादर, पहाड़ों से लेकर मकानों तक हर तरफ फैली है बर्फ ही बर्फ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जमकर बर्फबारी, गंगोत्री धाम पर 3 फीट से भी ज्यादा बर्फ। बर्फबारी के चलते गंगोत्री धाम पर बाधित हुई बिजली आपूर्ति, साधना के लिए धाम में मौजूद 50 से ज्यादा साधु संत हुए खपा।
उत्तराखंड के औली में बर्फबारी जारी, -9 डिग्री तक लुढ़का पारा। स्कीइंग का मजा लेने सैलानियों का लगा जमावड़ा। बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे फिर बंद, रास्ते में फंसे हजारों ट्रक और दूसरी गाड़ियां। हिमाचल के कुफरी में भी बर्फ की मोटी परत, जमकर मजा ले रहे टूरिस्ट। हिमाचल के कुल्लू में बर्फबारी से बंद हुई मनाली और सोलंग नल्ला का रास्ता, लंबा ट्रैफिक जाम। शिमला और सोलन में क्रिसमस को लेकर सैलानियों की बड़ी तादाद, सोलन में नेशनल हाईवे 22 पर लगा लंबा जाम। भारत वेस्ट इंडीज के बीच कटक में आज खेला जाएगा तीसरा और आखिरी वनडे, विजेता टीम का होगा सीरीज पर कब्जा। मैच से पहले कप्तान कोहली ने प्रैक्टिस में बहाया पसीना, कटक में 4 मैचों में अब तक सिर्फ 34 रन बना सके कोहली। मैच से पहले बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के हुंकार, कहा हर हालात के लिए टीम तैयार। नशा मसूद और आबिद अली के शतक से कराची टेस्ट में पाकिस्तान मजबूत, श्रीलंका पर बनाई 315 रनों की बढ़त। शान और आबिद ने पहले विकेट के लिए 278 रन जोड़े। तीसरे दिन स्टंप्स पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 395 रन। साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड की पहाड़ियों पर जंगल में लगी भीषण आग, एक की मौत, 15 घर तबाह। 40,000 हेक्टेयर के इलाके में फैली आग, काबू पाने में जुटे 23 फायर फाइटर्स झुलसे। हांगकांग में मॉल के अंदर प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़, पुलिस के साथ हुई झड़प। बर्लिन में संदिग्ध सामान की सूचना पर क्रिसमस मार्केट में पुलिस ने कराए खाली, 2016 में इसी जगह पर हुआ था आतंकी हमला। अंतरिक्ष तक फैली क्रिसमस फेस्टिवल की धूम, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने मनाया जश्न। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।